हाय फ्रेंड्स, आपका दोस्त एडमिशन वाला हाजिर है एक नए वीडियो में। देखेंगे कि अभी थर्ड राउंड का तो अलॉटमेंट हो गया है, अब क्या करना होगा आगे। क्या जाना होगा ईआरसी में? जिनको अभी भी एडमिशन नहीं मिला है तो क्या उनका हो सकता है? क्या होता है एडिशनल राउंड, स्पॉट राउंड और इंस्टीट्यूट लेवल राउंड, इसके बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। इसके रिगार्डिंग मैंने एक अलग वीडियो भी अपलोड किया है, तो चलिए देखेंगे कि थोड़ा सा बिना देरी के शुरू कर देते हैं इस वीडियो को। तो चलिए पहले देखेंगे कि क्या हुआ थर्ड राउंड में। जनरली आपको पता है कि सेकंड राउंड में बहुत सारे लोगों ने बेटरमेंट का ऑप्शन चुना था, बहुत कम रिपोर्टिंग हुआ था कॉलेज में सेकंड राउंड के बाद। तो अभी अगर आपने थर्ड राउंड का जो लिस्ट आया है, कॉलेज वाइज लिस्ट अगर खोल के देखा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नया बेटरमेंट भी हुआ है। और देखेंगे कि हम कितना कम रिपोर्टिंग हुआ था पिछले राउंड में। तो बहुत सारी जगह थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका फ़ायदा भी उठाया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेटरमेंट भी हुई होगी। और अगर इसी यही दौर रहा तो हो सकता है कि दो तारीख तक कम आपका रिपोर्टिंग हो और कुछ सिटी और भी खाली रहे, तो एडिशनल राउंड होने की पूरी शक्यता है। लेकिन उनका चल रहा है कि एडिशनल राउंड नहीं लेना है और जो भी जगह होगी वो इंस्टीट्यूट लेवल राउंड के लिए जाएगी, और हर कॉलेज उनका अगर खाली जगह है तो फिर इंस्टीट्यूट लेवल राउंड आयोजित करेगा। उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हम जाते जाते करेंगे। तो फिलहाल यही है कि बहुत सारी जगह थी, आपको अलॉटमेंट हुआ होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेटरमेंट हुआ होगा। देखेंगे कि अगर आपको पहली बार कॉलेज मिला है थर्ड राउंड में, पहले दो राउंड में मिला नहीं था, थर्ड राउंड में आपको पहली बार मिला है, तो एज आप पहली बार आपको सीट मिली है तो आपको ईआरसी में जाना होगा कंपलसरी। ईआरसी में जाओ, 1000 रुपीज़ पेड करो आपके लॉगिन से थ्रू ऑनलाइन, और 30 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के बीच में आपको ईआरसी में जाकर आपकी सीट एक्सेप्ट करनी है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने। अगर आप जा रहे हो डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए तो जो एफसी में आपको कंफर्म करके दिया हुआ सेट है वो भी साथ में लेकर जाइएगा, पूरे ओरिजिनल साथ में लेकर जाइएगा, 4-5 सेट जेरोक्स के लेके जाइएगा सेल्फ अटैच करके। और फिर ईआरसी में सब वो आपका होने के बाद आपको जाना है कॉलेज में, 31 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के बीच में जाना है और आपको एडमिशन लेना है। अब आगे कोई बेटरमेंट का ऑप्शन नहीं है तो फिर आपको ये सवाल ही नहीं उठता कि पहले मिला है या दूसरा, कौन से नंबर का आपको कॉलेज मिला है, जो मिला है वो आपको लेना होगा। और अगर आप कॉलेज में एडमिशन नहीं गए या फिर ईआरसी नहीं गए तो इसमें से एक भी स्टेप आपने मिस कर दी तो फिर आपका सीट चला जाएगा इंस्टीट्यूट लेवल राउंड के लिए। और अगर आपने देखिए इसी प्रकार का आपका जो अलॉटमेंट है लेटर, उसमें भी पूरे इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिए, वो पढ़कर आप उसका अमल कीजिएगा, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होने वाली। दूसरी बात है, जिनको बेटरमेंट हुआ है तो ये आपका आखिरी बेटरमेंट था, उनके अनुसार तो अब कोई राउंड नहीं है बेटरमेंट के लिए। अगर देखेंगे एडिशनल राउंड हुआ तो क्या वो उनके लिए नियम करते हैं, लेकिन फिलहाल इस कंडीशन में तो ये आपका आखिरी बेटरमेंट था, तो आपको सीधा कॉलेज में जाना है रिपोर्टिंग के लिए। एज आपने पहले ही सीट एक्सेप्ट की है, आपका स्टेटस है कन्फर्मेशन का, कन्फर्म है आपकी सीट, तो फिर आप जाइएगा कॉलेज में डायरेक्टली, ईआरसी जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। जाओ कॉलेज में, 31 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के बीच में आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है। अगर आपने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया तो वो सीट जाएगी इंस्टीट्यूट लेवल राउंड के लिए। और इसी प्रकार आप जिन लोगों का बेटरमेंट हुआ है तो उनको इंस्ट्रक्शन में आया है कि आपको बेटरमेंट हुआ है, तो फिर आपको ज़्यादा उसके बाद का बेटरमेंट नहीं होगा और आपको कॉलेज में जाकर एडमिशन डायरेक्टली लेना है। तो आप पढ़िएगा केयरफुली तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात है, जिनका बेटरमेंट नहीं हुआ तो देखिए, जो आपको फर्स्ट राउंड में मिला था वही अगर अब तक कैरी हुआ है, या फिर सेकंड राउंड में आपको फिर से नया बेटरमेंट हुआ था और इस राउंड में नहीं हुआ है, तो फिर आपका जो भी लास्ट कॉलेज था वो अब आपका फाइनल कॉलेज है। और एक बार कन्फर्म कर लेना कि आपके प्रिंट में क्या लिखा है, आपको 99% ईआरसी जाने की ज़रूरत नहीं। मैंने देखा नहीं है उन लोगों का सिनेरियो कि जिनको हुआ नहीं है बेटरमेंट, उनके प्रिंट में क्या लिखा है, तो आप देखिएगा पढ़िएगा, शायद आपको भी ईआरसी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन एक बार कंफर्म कीजिएगा, मुझे बताइए कमेंट्स में। और आपको कॉलेज में जाकर एडमिशन लेनी है 31 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के बीच में, अगर आपने नहीं किया तो फिर आपकी सीट जाएगी इंस्टीट्यूट लेवल राउंड के लिए और अवेलेबल होगी सबके लिए। थोड़ा सा बात करेंगे कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो मायूस है, जिनको अभी भी सीट नहीं मिली। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब जो हुआ वो हुआ, अब कोई बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि क्या करना, क्या किया होना चाहिए, क्या फिर क्या करते तो अच्छा होता, तो छोड़ दीजिए उस बातों को। अब हम देखेंगे कि क्या अभी भी एक मौका है आपके लिए। तो जी हाँ, आपके लिए अभी भी मौका है। देखिए, अगर एडिशनल राउंड नहीं होता है, एडिशनल राउंड हुआ तो आपके लिए एक और सुनहरा मौका होगा एडमिशन पाने का, राउंड के लिए जैसे, कैप राउंड के जैसे। लेकिन अगर नहीं होता है
तो फिर जो सीट रहेंगी बाकी तो वो इंस्टीट्यूट लेवल राउंड पे भरी जाएगी, और आप इंस्टीट्यूट लेवल राउंड के लिए आपको जाना होगा, आप जा सकते हो। देखिए 2 अगस्त तक उनको डेट है स्टूडेंट्स को अभी रिपोर्टिंग की, थोड़ा सा बढ़ भी सकता है डेट उनका रिपोर्टिंग का, जनरली बढ़ता है 1-2 दिन। तो अगर नहीं बढ़ा तो 2 अगस्त के बाद आप जिस कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं उस कॉलेज के संपर्क में रहो, उस कॉलेज में इंक्वायरी करो एडमिशन के लिए, तो वो कॉलेज आपको फिर उनकी वैकेंसी भी पता चल जाएगी। 2 अगस्त के बाद हमें वैकेंसी भी पता चल जाएगी किस कॉलेज में कितनी वैकेंसी है, तो उसके अनुसार आप आपका नियोजन कर सकते हैं कि किस कॉलेज में आपको जगह मिल सकती है और उसके संपर्क में आप रह सकते हो। तो सिर्फ इस राउंड में अगर आपको एडमिशन मिला तो बहुत ही बड़ा एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, फ्रीशिप नहीं मिलेगी। इसका मतलब सीधा सीधा यही है, अगर आपको फ्रीशिप स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी तो पूरा फीस आपको कॉलेज में भरना पड़ेगा, और यही एक बड़ा उसका डिसएडवांटेज है। देखेंगे थोड़ा सा कि क्या होता है इंस्टीट्यूट लेवल राउंड और स्पॉट राउंड। देखो अगर तीनों राउंड के बाद भी कुछ सीट्स खाली रहती है तो फिर वो सीट्स कॉलेज लेवल पे भरी जाती है। सीईटी सेल ने, गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की है कॉलेज को कि किस तरह से आपको इंस्टीट्यूट लेवल राउंड को कंडक्ट करना है। उस गाइडलाइंस के हिसाब से कॉलेज उनकी खाली सीट्स और पूरा टाइम टेबल आप उनके वेबसाइट पे प्रदर्शित कर देता है। आपको ध्यान रखना होगा हर कॉलेज, जिस कॉलेज में भी आप चाहते हो शॉर्टलिस्ट किए हो उस कॉलेज का वेबसाइट देखते रहो, वो उनके संपर्क में रहो, फ़ोन करके पूछो कब आने वाला है आपका, तो जनरली वो टाइम टेबल और पूरा डाल देंगे। उसके बाद आपको हर कॉलेज में अलग सा एप्लीकेशन करना होगा, उनका जो भी मेथड होगा वो आपको करना होगा। कोई हैंड रिटन लेगा, कोई उनका प्रिंटेड फॉर्म आपको देगा पर्सनली भरने के लिए, कोई गूगल फॉर्म से भी आपकी इन्फॉर्मेशन लेगा, तो कोई उनका वेब बेस्ड फॉर्म होगा वो भी आपको भरना होगा। तो जिस प्रकार से वो मांगेंगे आपको एप्लीकेशन वहाँ पे करना है, कॉलेज मेरिट लिस्ट लगाएगा, मेरिट लिस्ट लगा कर फिर आपको एडमिशन वो दे देगा। कैटेगरी की सीट्स, मतलब अगर एससी की सीट खाली है थर्ड राउंड के बाद भी, तो वो एससी के स्टूडेंट की भरी जाएगी, मतलब कि जो कैटेगरी की सीट्स खाली है उस कैटेगरी के स्टूडेंट से भरी जाएगी। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर वो सीट खाली रहती है तो फिर कॉलेज वो ओपन कैटेगरी से, मतलब सीधा सीधा जनरल मेरिट नंबर से वो भरी जाएगी इंस्टीट्यूट लेवल पर। तो दूसरा और कुछ मुद्दों पे हम बात करेंगे कि जैसे स्पॉट राउंड, अगर ये राउंड होने के बाद भी कुछ जगह खाली रहती है तो जनरली फ्रिक्वेंटली स्टूडेंट स्विच करते रहते हैं, तो एक एक दो दो वैकेंसी क्रिएट होती रहती है। देखिए अगर ऐसा होता है तो कॉलेज स्पॉट राउंड आयोजित करता है। बहुत सारे कॉलेजेस आपको एक स्पेसिफिक डेट को बुलाते हैं सभी को, और आपको वैकेंसी तुरंत दिखाकर तुरंत एडमिशन आपको दे देते हैं मेरिट के हिसाब से। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा जिस कॉलेज में आप चाहते हो। आखिर आखिर में तो बहुत अच्छा कॉलेज आपको मिल सकता है, थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, इधर उधर भागना पड़ेगा, लेकिन आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। दूसरी एक बात है कि कट ऑफ डेट का थोड़ा सा जिक्र आएगा यहाँ पे, कितनी कट ऑफ डेट क्या होती है। तो देखिए सभी प्रकार के एडमिशन के लिए एक आखिरी डेट होती है, गवर्नमेंट ने डिसाइड की हुई, जनरली 14 अगस्त है इस साल के लिए। थोड़ा सा चेंजेस उसमें हो सकता है ताकि शेड्यूल आगे पीछे हुआ है तो, लेकिन फिलहाल 14 अगस्त है। 2 अगस्त के बाद 14 अगस्त के बीच में ही ये सब होगा, इंस्टीट्यूट लेवल का राउंड होगा, स्पॉट राउंड होगा, तो आपको इसी बीच में भाग दौड़ ये सब करनी है। कॉलेज में पूछते रहो आखिरी तक, होती है सीट्स खाली तो आपको मिलने की पूरी पूरी चांसेस है। तो देखिए नियम के तहत थोड़ा सा ये क्वेश्चन आएगा कि अगर मैं आखिर आखिर में एडमिशन कैंसिल करूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन होगा कि मैंने अभी तो मैंने थर्ड राउंड के अनुसार जिस कॉलेज में एडमिशन में फ्रीज हुआ है या फिर जहाँ पे जाकर मैं एडमिशन कंफर्म कर लूँगा, अगर स्पॉट राउंड में मुझे अच्छा कॉलेज मिलता है, इंस्टीट्यूट लेवल राउंड में अगर मुझे अच्छा कॉलेज मिलता तो फिर मेरी फ़ीस का क्या होगा। तो देखिए नियम के तहत तो अगर आपने कट ऑफ डेट के अंदर मीन्स 14 अगस्त के पहले अगर आपने एडमिशन कैंसिल कर दिया तो फिर सिर्फ 1,000 रुपीज़ जो कैंसिलेशन चार्जेस है वो कट करके बाकी पूरी फीस आपको मिलनी चाहिए ही आपको मिलती है। तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल ट्रेस ये आ सकता है कि बहुत सारे कॉलेजेस उनका जो रिफंड का प्रपोजल है वो पूरा एडमिशन प्रोसेस होने के बाद प्रोसेस कर देते हैं, तो थोड़ा सा आपको पिछले कॉलेज से फी मिलने में देरी हो सकती है, तो फिर नए कॉलेज में आपको नई फीस भरनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको इसके रिगार्डिंग करना होगा अगर आप ये सब जद्दोजहद करना चाहते हो तो। तो देखिए स्टूडेंट्स इसके रिगार्डिंग आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो पूछिएगा मुझे कमेंट्स में, मैं कोशिश करूँगा कि उसके जवाब आपको दे दूँ। इस वीडियो में बस इतना ही, जुड़े रहिएगा मेरे साथ, कीजिएगा मेरा चैनल सब्सक्राइब। मैं कोशिश करूँगा कि हर वो बात, हर वो अपडेट, हर वो जरिया एडमिशन का आपके तक पहुँचाऊँ जिससे आपको मिले फ़ायदा थोड़ा सा। धन्यवाद, इस वीडियो में लेते हैं यहाँ पे विराम।